सो व्हाट इज अ ब्रोस्की। तो कैसे हो? तो आज हम रिव्यू करने वाले इस नी स्लीव्स का जो मैंने फ्लिपकार्ट पे से ऑर्डर करी थी, और इसका मैंने एक अनबॉक्सिंग वीडियो भी डाला था। तो बात करने वाले हैं आज इसके बारे में, इसका इन डेप्थ रिव्यू करेंगे, ठीक है? तो बात करने पहले स्क्वाटिंग और लेग प्रेस की, तो पहले वीडियो देख के आओ फिर बात करें। बात करते हैं इसकी स्क्वाटिंग और लेग प्रेस परफॉर्मेंस के बारे में। तो स्क्वाटिंग और लेग प्रेस में ये मुझे एक लूज नी रैप जैसा फील देता है, कि लूज नी रैप जैसे बांध देना उस जैसी फील देता है। और बात कर लें इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में, तो इसका पॉजिटिव पॉइंट एक ही है कि इसके कॉम्पिटिटर से बहुत सस्ता आता है, मतलब 1600 रुपये का पेयर मिल जाता है, 800 रुपये का एक, विच कम्पेयर टू USI बहुत सही है ये चीज़, मतलब मस्ट है। और मतलब नेगेटिव्स के बारे में बात करें, तो इसका नेगेटिव बहुत बड़ा है कि ये बहुत इलास्टिक है, मतलब ये बहुत इलास्टिक है कंपेयर टू USI और एनी अदर ब्रांड लाइक SBD, वो तो बहुत महंगा आता है, बट हाँ कंपेयर टू ये 8 mm है और वो 7 mm है, पर जब भी वॉम में मुझे ज़्यादा अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करता है। कि मतलब अब बात करते हैं कि इसको कौन ले सकता है। अगर आपका बजट इशू नहीं है तो आप डेफिनेटली इसकी तरफ जा सकते हो, क्योंकि ये 1600 रुपये का आता है। वही बात करें USI की, तो वो आपको अराउंड 2400 रुपये का एक पेयर पड़ता है, विच इज़ अराउंड 600 रुपीज़ मोर। तो हाँ ये एक डील ब्रेकिंग पाथ हो सकता है, मतलब इसकी तरफ जाने के लिए 600 रुपये मेरे लिए बहुत एक बड़ा अमाउंट हो जाता है यार, गरीब पावर लिफ्टर है, ठीक है? ये मैंने 3 साल डिसीजन के बाद लिए ये चीज़, मतलब मैं 3 साल से पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ, अब जाके मैंने ये ऑप्ट करा है। वरना बेसिकली मैं विक्सन से ही करता था, विक्सन के जो 100 रुपये के नीचे ले जाते, बट हाँ यार मेहनत करिए जब आज इधर है, मतलब फॉर एग्जांपल। चलो ठीक है, आई होप, पीस आउट।